दोस्तों, फॉरेन कंट्रीज में बहुत से बैकपैकर्स और बाइक पैकर्स आजकल कैंपिंग के लिए टेंट की जगह हैमक यूज करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हैमक बैकपैक में कम जगह लेता है और लाइट वेट भी होता है। दूसरी अच्छी बात यह है कि जहां टेंट लगाकर आपको स्लोपी और रॉकी ग्राउंड में सोना पड़ता है, वहीं हैमॉक आपको ठंडी जमीन, स्लोप और रॉकी ग्राउंड से ऊपर रखता है। हमारे देश में हैमॉक का कल्चर अभी नहीं है। इनफैक्ट हमारे देश में तो कैंपिंग का भी कल्चर अभी उतना नहीं है जिस तरह दूसरे देशों में है। फॉरनर्स कैंपिंग एंड ट्रैवलिंग को मिक्स करके लो बजट में ट्रैवल करते हैं। अभी हम हिंदुस्तानियों को इसकी आदत लगने में थोड़ा टाइम लगेगा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि हैमॉक कैंपिंग क्या है, उसके क्या फायदे हैं, कितने में और कहां से आप हैमॉक कैंपिंग के लिए जरूरी चीजें या नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड गियर्स खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया और ये है कैंपिंग इन इंडिया सीरीज का एक पूरा एपिसोड जो हैमॉक कैंपिंग वर्सेस टेंट कैंपिंग के बारे में है। तो चलिए जान लेते हैं कि हैमॉक कैंपिंग है क्या। हैमॉक कैंपिंग का सीधा सा मतलब है कि आप अपने टिपिकल टेंट को छोड़कर हैमॉक और उससे जुड़ी हुई एसेसरीज को यूज करके कंफर्टेबली आउटडोर में सोते हैं और वहां पूरी रात गुजारते हैं। आपको बस चाहिए तो दो पेड़। हैमॉक कैंपिंग करने के लिए जरूरी इक्विपमेंट्स में सबसे पहले आता है एक हैमॉक, हैमॉक को सपोर्ट करने के लिए एक सस्पेंशन सिस्टम और एक स्लीपिंग पैड। अगर आप किसी ठंडे इलाके में रात को रुकने वाले हैं तो एक अंडर क्विल्ट, बारिश से बचने के लिए एक रेन फ्लाई या टेम्पोलिन की जरूरत होगी, और अगर ऐसी जगह पर हैं जहां कीट पतंगे हैं तो एक नेट की जरूरत भी आपको पड़ेगी। हैमॉक में कंफर्टेबली रात गुजारने के लिए थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का होना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, रॉक्स पर, ढलान पर, कीचड़ में, कीड़ों के बीच, ऊंची नीची जगह पर सोने को अलविदा कह दीजिए, क्योंकि अब आप कंफर्टेबली हैमॉक के अंदर सोने वाले हैं। हैमॉक यूज करते हुए आपको ज्यादा वर्सेटिलिटी मिलती है, क्योंकि आपके पास आजादी है किसी भी लोकेशन पर, कहीं पर भी दो पेड़ों या दो पत्थरों के बीच, किसी बहती जलधारा के ऊपर, किसी पहाड़ पर, किसी वाटर रिसोर्स के पास या फिर दो कारों के बीच आराम से सोने की। आप सोने के लिए, नैप लेने के लिए, अपने लैपटॉप पर काम करने के लिए, दिन हो या रात, कभी भी कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं। हैमॉक कैंपिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये लाइट वेट है और आपके बैकपैक में बहुत कम जगह लेता है। दोस्तों, मैंने भी बहुत से लोगों की ही तरह टेंट में ही कैंपिंग करना शुरू किया था, लेकिन एक दिन जब मैंने हैमॉक कैंपिंग को डिस्कवर किया तो इससे मेरी जिंदगी बदल गई। बहुत बार लोग ऐसा सोचेंगे कि बैग में कुछ स्पेस कम करने और वेट को कम करने के लिए हम अपने कंफर्ट्स को सैक्रिफाइस करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सही नहीं है। हकीकत एकदम उल्टी है। हैमॉक कैंपिंग ज्यादा कंफर्टेबल है, इंजॉयबल है और इसे सेटअप करना बहुत ही आसान। बस थोड़ी सी ट्रेनिंग, थोड़ी प्रैक्टिस एंड यू आर गुड टू गो। बहुत लोग सोचेंगे कि क्या हैमॉक में सोना कंफर्टेबल है, तो मेरा जवाब है यस, यू स्लीप बेटर एंड अ लॉट बेटर। दोस्तों, कितनी बार आपने कैंपिंग करते हुए रात करवटें लेते हुए बिताई हैं, क्योंकि पत्थर का कोई टुकड़ा आपको पूरी रात नीचे से चुभ रहा होता है। इस तरह की अनकंफर्टेबल नाइट्स को अब आप भूल जाइए, क्योंकि अब आप किसी पहाड़ी पर, किसी चट्टान पर, पेड़ों के रूट्स के बीच में और गीली जमीन पर भी आराम से पूरी रात सोच सकेंगे। लोग अक्सर मुझसे यह पूछते हैं कि क्या किसी टेंट के मुकाबले हैमॉक को सेटअप करना ज्यादा मुश्किल है, तो उन लोगों को मेरा आसान सा जवाब होता है नहीं।
ज्यादातर मैं अपने उन दोस्तों के मुकाबले में जो जमीन पर अपना टेंट लगाते हैं उनसे पहले ही अपना हैमॉक सेटअप कर चुका होता हूँ। और बहुत बार लोग मुझसे ये पूछते हैं कि टेंट में तो आप आसानी से कपड़े चेंज कर सकते हैं, तो क्या हैमॉक कैंपिंग में भी ऐसा पॉसिबल है? हैमॉक रेन फ्लाई सिर्फ बारिश और धूप को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि उसे आप सही तरीके से यूज करके कपड़े चेंज करने जैसे प्राइवेट कार्यों के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आजकल हैमॉक बीचेस पर रिलैक्स करने के ही लिए नहीं है, आप इसे पहाड़ों पर, बर्फीले मैदानों में, बारिश और नदी के किनारे कहीं भी लेकर जा सकते हैं। आपका हैमॉक ही अब आपका टेंट है जो आपको नेचर के ज्यादा करीब रखता है, हवा में सांस लेने की आजादी देता है और आप खुद को नेचर के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। दोस्तों, इंडिया में हैमॉक का कल्चर अभी नया है और जितनी भी हैमॉक और उससे जुड़ी हुई एक्सेसरीज अभी मौजूद हैं वो बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट की जाती हैं, इसीलिए महंगी भी हैं। तो आज अर्ली एंट्रेंस के तौर पर आपको कैंपिंग के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पर ये प्राइस का डिफरेंस 10-20% से ज्यादा नहीं होगा। फॉरेन कंट्रीज में भी हैमॉक कैंपिंग पिछले कुछ सालों में ही ज्यादा पॉपुलर हुआ है। आजकल हैमॉक कैंपिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी किताबें पब्लिश हो रही हैं। एक बार जब आप टेंट से हैमॉक पर स्विच कर लेते हैं तब आप हैरान होंगे ये सोचकर कि इसे हैमॉक कैंपिंग क्यों कहा जाता है, कैंपिंग क्यों नहीं कहा जाता। अगर अभी भी आपके दिमाग में हैमॉक कैंपिंग को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके सवालों का जवाब मैं जरूर दूंगा। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ लिंक्स दे रहा हूं जहां क्लिक करके आप अपने लिए एक हैमॉक ऑर्डर कर सकते हैं। ये सभी हैमॉक आप अमेज़न की इंडियन वेबसाइट से खरीद सकते हैं। नंबर 1 V3 कैंपिंग हैमॉक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। 909 रुपीज में इस तरह का हैमॉक, वो भी फुल एक्सेसरीज के साथ मिलना एक मिरेकल जैसा है। तो दोस्तों, आप लिंक पर क्लिक करके इसे खरीद सकते हैं। यह ग्रे ब्लू कलर में अवेलेबल है, 225 किलो तक का वजन संभाल सकता है, यानी कि दो लोग इस पर बड़ी ही आसानी से सो सकते हैं। हैमॉक के साथ साथ आपको ट्री स्टेप्स का सेट और हुक्स भी मिल जाएंगे। ये स्ट्रॉन्ग, कॉम्पैक्ट, लाइटवेट डिजाइन है जिसका कुल वजन है सिर्फ 480 ग्राम, जैसे कि फोटो में दिखाया गया है। इन स्ट्राइप्स की मदद से आप इन्हें किसी भी पेड़ पर बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट हैमॉक है स्लैक जैक कैंपिंग फैब्रिक हैमॉक। ये अवेलेबल है रेड एंड ब्लू, ग्रीन एंड येलो और इसी तरह से बहुत सारे रंगों में। इसकी लंबाई है दोस्तों 250 सेंटीमीटर, चौड़ाई 150 सेंटीमीटर, फुली असेंबल्ड स्टेट में आता है 3 महीने की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी के साथ। इजी टू इंस्टॉल और इजी टू मेंटेन है। 105 किलोग्राम का वजन ये उठा सकता है और एक पर्सन के लिए सफिशिएंट है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जहां से आप इसे खरीद सकते हैं। तो नंबर 3 पर कैंचुआ हैमॉक, जो कि सिर्फ 1695 रुपए में अवेलेबल है। आप इसे खरीद सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स। इसकी MRP 2199 है और ये सिंगल पर्सन हैमॉक है, 100 किलो तक का वजन आसानी से उठा सकता है और ये हैमॉक आपको डीकैथलॉन के नियरेस्ट स्टोर से मिल जाएगा। ये मेरा सबसे पहला हैमॉक था जिसे मैंने भी डीकैथलॉन से ही खरीदा था। इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और इसमें मॉस्किटो नेट भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये बिगनर्स के लिए अच्छी ऑप्शन है। इसका खुद का वजन है करीब करीब 500 ग्राम। 4 नंबर पर है डॉल्बी पोर्टेबल कैंपिंग हैमॉक विद मॉस्किटो नेट। दोस्तों, 1799 रुपए में ये हैमॉक मॉस्किटो नेट के साथ आता है। ये लाइटवेट, स्ट्रॉन्ग, ब्रेथेबल नाइलन फैब्रिक से बना हुआ किसी भी पेड़ या कोई भी अवेलेबल ऑब्जेक्ट के साथ 3 से कम मिनटों में रोप का प्रयोग करके टांगा जा सकता है। इसमें मॉस्किटो नेट अवेलेबल है जिसकी वजह से आप कहीं पर भी इसमें कैंपिंग कर सकते हैं। इस हैमॉक बैग में
दो ट्री स्टेप्स, मॉस्किटो नेट हैंग करने के लिए दो रस्सियां और दो स्टील क्रॉबिनेयर दिए गए हैं। ये 300 किलो तक वजन उठा सकता है। दो लोगों के लिए एक कंफर्टेबल टेंट का अल्टरनेट है। इसका खुद का वजन है 700 ग्राम। ये हैमॉक ग्रीन एंड पैरेट ग्रीन, ऑरेंज, आर्मी कलर और कुछ कलर्स में अवेलेबल हैं। इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नंबर 5 पर है काम पोर्टेबल हाई स्ट्रेंथ पैराशूट फैब्रिक कैंपिंग हैमॉक विद मॉस्किटो नेट। इसका प्राइस है 2249 रुपए। ये 200 किलो तक का वजन उठा सकता है। दो पर्संस के लिए सफिशिएंट है। इसकी एक्सेसरीज में दो ट्री स्टेप्स, हुक और कैरिंग बैग मिलेगा। ये पैराशूट फैब्रिक मटेरियल से बना है जो कि वेयर एंड टियर रेजिस्टेंट है। ये मॉस्किटो नेट के साथ आता है और इसका खुद का वजन है सिर्फ 500 ग्राम। ये हैमॉक स्काई ब्लू, ब्लैक, कैमोफ्लाज ग्रे, आर्मी ग्रीन और ग्रीन कलर्स में आता है। आगे है नंबर 6 पर वॉर्मडी कैंपिंग हैमॉक विद मॉस्किटो नेट। ये भी एक पोर्टेबल लाइट वेट स्लीपिंग हैमॉक है जिसकी कीमत है 3600 रुपए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ये हाई क्वालिटी 210T पैराशूट नायलन मटेरियल से तैयार किया गया है। हैमॉक के पैकिंग में दो हुक, टू पीसेस ऑफ ट्री स्ट्रैप्स, वन बैग आता है। ज्यादातर आउटडोर एक्टिविटीज जैसे कैंपिंग, हाइकिंग, ट्रैवल बैग पैकिंग के लिए परफेक्ट है। ये 955 ग्राम के वेट में अवेलेबल है। मॉस्किटो नेट साथ में दिया जा रहा है ताकि आप ओपन में भी आसानी से कैंपिंग कर सकें। ये 200 किलो तक का वजन आसानी से उठा सकता है, यानी ये 2 पर्सन के लिए सफिशिएंट है। ये सुपर स्ट्रॉन्ग वियर एंड टियर नाइलन मटेरियल से बना है जिसमें हैवी ड्यूटी ट्रिपल इंटरलॉक स्टिचिंग है। 210T पैराशूट नाइलन फैब्रिक से बना हुआ ये हैमॉक जिसका वजन है 700 ग्राम और दो लोगों के लिए एक प्रोफेशनल कैंपिंग अल्टरनेट है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। एक्सपोर्ट वाइल्डनेस हैमॉक विद मॉस्किटो नेटिंग। एक्सपोर्ट ब्रांड का ये हैमॉक थोड़ा हाई प्राइस कैटेगरी हैमॉक है जिसकी कीमत है 9962 रुपए। दो लोगों के लिए ये एक अच्छा कैंपिंग अल्टरनेट है। खुद का वजन है करीब करीब 1.5 किलो और मॉस्किटो नेट के साथ ये आता है। ब्रांड है टेक्सास स्पोर्ट, मॉडल नंबर है 14242। आप आसानी से अमेजोन इंडिया की वेबसाइट से इसे खुद खरीद पाए। तो दोस्तों, टेंट बेसिस हैमॉक के अगले एपिसोड में मैं आपको बाकी एक्सेसरीज के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें होगा स्लीपिंग पैड और रेन फ्लाई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैंपिंग के लिए ये 4 एक्सेसरीज का होना बहुत जरूरी है। तो आप जितने प्राइस में एक टेंट खरीदते हैं, ऑलमोस्ट उसी प्राइस में एक हैमॉक भी खरीद सकते हैं। ये हैमॉक दोनों सिंगल और डबल पर्सन कैपेसिटी के साथ आता है विद और विदाउट मॉस्किटो नेट। ये सब के सब हैमॉक आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अमेज़न इंडिया की वेबसाइट पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, जो होगा कैंपिंग इन इंडिया सीरीज का टेंट बेसिस हैमॉक कैंपिंग पार्ट 2। तो दोस्तों, जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड यस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।